સેલવાસ ખાતે પોલીસ દ્વારા રોડ સેફ્ટી એન્ફોર્સમેન્ટ કાર્યક્રમ અંતર્ગત લોકોને ટ્રાફિક નિયમન અંગે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. સેલવાસમાં જાહેર માર્ગો ઉપર પોલીસે ટ્રાફિક નિયમનનો અમલ કરનાર વાહન ચાલકોને ફૂલ આપી સમજણ આપવામાં આવી હતી. જ્યારે ટ્રાફિક નિયમનનો ભંગ કરનાર વાહન ચાલકો પાસેથી શિક્ષણાત્મક કાર્યવાહીના ભાગરૂપે દંડ વસૂલવામાં આવ્યો હતો. चलो आप हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे और ड्राइविंग के लिए आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए. विदाउट लाइसेंस गाड़ी चलाना गुनाह है. जो पीछे बैठा है उसको भी हेलमेट पहनना जरूरी है. उससे मतलब आपकी और आपके परिवार की किसी के लिए जरूरी है. क्योंकि अगर आप सब लोग एक तो हेलमेट पहनो. आप सबने देखा होगा कि अगर एक्सीडेंट होता तो रोड लगती और एक्सीडेंट नहीं करना होता तो डेथ भी हो जाती थी. उससे हमें बचना है. आप समझना चाहिए कि अगर आपकी डेथ हो जाए आप सब वो आपकी तरफ से होती है. आप उनकी फैमिली को दिक्कत हो और कई चीज़ों का ध्यान रखना है. दिन करके ऐसी गाड़ी नहीं चलाना है क्योंकि उसका एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. आपकी भी जान खतरा में रहेगी दूसरे की भी जान खतरा रहेगी. तो आप सब लोग ये जो छोटे मोटे इसके नियम हैं बहुत ज़्यादा तो समझने की जरूरत नहीं है. और ये 5-6 दिन चीज़ें हैं उनको अच्छे से समझ लो और आप अपने परिवार में भी बताओ बाकी लोगों को भी लाइसेंस फ्री बनवा रखना है. लाइसेंस भी जाना ड्राइवर जो होता है वो जल्दी सीख लेते हैं और उनको कुछ आपकी गाड़ी चलाते हो मैडम चलाते क्या कह रहे हैं काम कर रहे हैं आप काम आपके हस्बैंड कहाँ हैं काम कर रहे हैं वो गाड़ी चलाते हो कोई वो गाड़ी क्या कर रहे छोटे हस्बैंड गाड़ी चलाते हैं आप हस्बैंड गाड़ी गाड़ी चलाते हैं उसके पास तो लाइसेंस होना चाहिए. ठीक है आप लोग भी ध्यान रखो बच्चों को भी बताओ और जो भी चीज़ आपको समझ में आती है हमारी टीम आप भी जाके आगे पब्लिक को लोगों को कॉलोनी में भी जाते हो तो उनको सबको बताओ क्योंकि आप में काफ़ी जो एज वाले लोग हैं तो आपकी सब सुनेंगे बच्चे भी सुनेंगे. हमें जो है वो इस चीज़ को आगे बढ़ाना है. कल हमने प्रोग्राम भी करा आज हमारे बहुत सारे पॉइंट्स पर अलग अलग स्टाफ रखा हुआ है वो यही लोगों को अवेयर करने के लिए आप भी जो है वो हमारे यहाँ पे आगे जाके लोगों को अगर जहाँ भी आप रहते हो आसपास के चार पाँच घर को तो कम से कम ठीक है.